दो कपिल की कहानी। घने जंगल के भीतर बसे एक दूरदराज के शहर में दो जोड़े शहर के जीवन की हलचल से बचने के लिए सप्ताहांत की छुट्टी पर निकले। साहसी और रोमांच चाहने वाले मार्क और सारा ने अपने दोस्तों जॉन और एमिली को रहस्यमय जंगल में कैंपिंग ट्रिप के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही शाम ढली, उन्होंने एक शांत झील के पास अपने तंबू लगाए जो ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जो सरसराती हवा में रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। कर्कश कैंपफायर ने अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ सांत्वना प्रदान की, लेकिन भयानक छायाएं उनके चारों ओर नृत्य कर रही थी, जिससे संदेह और बेचैनी पैदा हो रही थी। उस रात जंगल में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, जिससे शिविरार्थियों के दिलों में भय जागृत हो गया। सारा ने कसम खाई कि उसने अंधेरे से फुसफुसाहट की आवाज सुनी है, जबकि जॉन जब भी टिमटिमाती आग की रोशनी से परे जाता था तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली ठंडक महसूस होती थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता गया। एमिली की हंसी घबराहट में बदल गई और मार्क की बहादुरी लड़खड़ा गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे जंगल में अकेले नहीं थे। अनदेखी आंखें छाया से देखती थी और द्वेषपूर्ण फुसफुसाते अकथनीय भयावहता का वादा करती थी। कांपते हाथों से वे एक दूसरे की मौजूदगी में आराम तलाशते हुए एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, उनकी दोस्ती के बंधन डर और संदेह के बोझ से टूटने लगे। भ्रम और अनिश्चितता के कारण आरोप अंधेरे में तीर की तरह उड़ गए। फिर बिना किसी चेतावनी के सारा रात में गायब हो गई। उसकी चीखें जंगल के भयावह आलिंगन में दब गई। भय से व्याकुल शेष तीनों ने अपने लापता दोस्त की बेसब्री से तलाश की। उनकी टॉर्चें चाकू की तरह दमघोटू अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन जंगल ने अपने रहस्यों को बरकरार रखा और सारा कभी नहीं मिली। जैसे ही भोर हुई, मार्क, जॉन और एमिली लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकले, जो भयावहता उन्होंने देखी थी। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात न करने की कसम खाई, लेकिन जंगल की फुसफुसाहटें उनके पीछे पीछे घर आ गई, जो दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की डरावनी याद दिलाती थी।